नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने लाल रंग का बटन है, तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा ताकि और भी जो हस्बैंड हैं वो इन सब चीज़ों को समझ सकें और जो मेंटेनेंस वो दे रहे हैं या फिर उनके पास उनके ऊपर उनके पत्नी ने एक झूठा मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो उनके मन में ये सवाल आता है कि सर इस केस को अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस केस में जाना चाहिए या नहीं चाहिए जाना चाहिए, और जो मेंटेनेंस है अगर हम नहीं जाएंगे तो उस मेंटेनेंस के केस का क्या होगा, हमारे खिलाफ कोई कोई एक्शन या कोई केस हमारे अगेंस्ट हो सकता है, तो ऐसे कई प्रकार के डर उनके मन में रहते हैं। तो मैंने आज सोचा था कि क्यों ना मैं उन हस्बैंड्सों को भी बताऊं जो इन सब चीज़ों से पीड़ित है, क्योंकि आज के समय में जो है बहुत सारे केसेस ये बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि देखिए हर घर में शादी होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शादी होती है, लेकिन शादी के बाद किसी प्रकार से मन में मुटाव या फिर किसी प्रकार से कोई भी विवाद स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद स्टार्ट होते हैं फिर ये केसेस, चाहे वो सेक्शन 498A का हो, मेंटेनेंस का हो, DV का हो, किसी भी प्रकार का केस हो सकता है और जो आपके ऊपर आना आना ही है, क्योंकि ये विवाद जो है वो किसी न किसी प्रकार से इतना बढ़ जाता है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि पति पत्नी को दोनों को एक दूसरे से अलग ही होना पड़ता है और इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो डाइवोर्स ही होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसी क्रूरता है जो कि हस्बैंड पर की जाती है, क्योंकि पत्नी जो है चाहे कितना भी कमाती हो, चाहे वो कितना भी उसकी अर्निंग हो, चाहे उसके पास कितनी भी किसी प्रकार की संपत्ति हो, लेकिन फिर भी उसको छिपाते हुए वो मेंटेनेंस का केस करती है। ऐसे कई दाय मतलब चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस के थ्रू जो है वो पत्नी अपनी छिपाती है और पति की बताती है। शादी से पहले या फिर शादी के बाद जो है वो लड़का कुछ भी करता हो और शादी के बाद उसको पता लगा कि वो लड़का नहीं करता है, तो ये चीज़ें वो मायके में बता सकती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं, लेकिन जिस समय मेंटेनेंस का केस होगा उसमें एक ही कई गुना बताकर उसको मेंटेनेंस को डाला जाएगा कि हमारे हस्बैंड जो है वो चाहे वो कमाते 10,000 रुपये 8,000 रुपये हों, लेकिन उनकी सैलरी जो 80,000 या लाख के आसपास बताई जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटी से मोटी रकम मिल सके और ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। तो ये बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो कि सेक्शन 498A और DV में भी किए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सेक्शन 125 CRPC के तहत ही बताऊंगा कि जो हस्बैंड हैं उसमें जो मेंटेनेंस हैं, कुछ तो हस्बैंड दे रहे हैं मेंटेनेंस या फिर कुछ जो पति हैं उनके ऊपर अभी रिसेंट में ही केस किया गया है, तो अब उनके मन में सवाल आता है कि सर इस केस को अटेंड करना चाहिए, कुछ वकील ये एडवाइस करते हैं कि आपको केस में जाने की आवश्यकता नहीं है और कुछ ये कहते हैं कि आपको लड़ना चाहिए, आपकी बात अपनी बात सामने रखनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक कानून के होते हुए भी प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा कि प्रैक्टिकली इनका क्या अस्तित्व है और प्रैक्टिकली क्या आपको इन सब केसेस में करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि ये वीडियो जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और हर हस्बैंड इस वीडियो को देख कर अपने आप को बचा भी सके और साथ ही साथ जो उसका मेंटल टॉर्चर है, जो मेंटली उसको प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम से भी बच सके। क्योंकि इंसान जो है जब ये केसेस होते हैं तो देखिए हर चीज़ सोचता है कि उसका घर तो खराब हो ही गया, पत्नी भी गई और पत्नी जाने के बाद जो है वो जो पीड़ा जो सहन कुछ पति कर नहीं पाते हैं, जिनकी वजह से वो गलत स्टेप भी ले लेते हैं, आपने भी देखा होगा और मैंने इस पर वीडियोस भी काफ़ी अपलोड किए हैं, जो हस्बैंड जो वो गलत स्टेप ले लेते हैं, अपने जान त्यागने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, लड़ना है, गलत के खिलाफ लड़ना है। दूसरा, कुछ हस्बैंड जो हैं वो ये मेंटेनेंस का मतलब वाइफ तो गई, साथ ही साथ में उसने हम पर केस कर दिए, तो केस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग और ताकतवर बनना है, क्योंकि केस लड़ना इज़ नॉट इजी टास्क और ये उसके बाद जो है समझना, उन चीज़ों को करना और हर वकील का उसकी बात को समझना कि मैं वाकई क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना है, अपने आप को साबित करना है, समझना है और दूसरे व्यक्ति के जो जिसके ऊपर जिसने आपके ऊपर मेंटेनेंस किया है, उनकी आपकी वाइफ है, उसको भी ये सबक सिखाना है कि मैंने जो केस किया है वो वाकई गलत किया है और अब इसका परिणाम जो है मुझे ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ आपको सिखानी है अपनी वाइफ को। तो आपको इन सब चीज़ों से मेंटली टॉर्चर होकर घर पर नहीं बैठना है, आपको ये नहीं समझना कि अरे मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा घर ही बर्बाद हो गया, मेरा वंश भी खत्म हो गया,
अब मेरे ऊपर और केस लाद दिए गए। तो ऐसी चीजें आपको नहीं सोचनी है, आपको बी पॉजिटिव और थोड़ा मोटिवेट होकर जिस समय पर आप केस लड़ते हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस समय आप केस लड़ते हैं केस की जो डेट आती है उससे पहले आपको एक या दो दिन पहले ये सोचना है कि मुझे अब इस डेट पर क्या करना है, और उसके जैसे ही वो डेट हो जाती है बस छोड़ दो उसको, नेक्स्ट मंथ जब नेक्स्ट अगले महीने की जो डेट पड़ती है उस पर आप जाएंगे, तो उससे पहले एक दिन दो दिन पहले फिर सोचेंगे और उसको करेंगे, अपने वकील से भी सलाह लेंगे और हमारी भी एडवाइस ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं हमसे। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ ही दिन पहले समझनी है, ये नहीं कि पूरे महीने आपको अरे मैं तो बीमार हो गया, अरे मैं तो मेरे साथ में ऐसा क्या हो गया, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे और ऐसा मेंटली आप लेकर बैठ जाएंगे कि मुझे, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने हस्बैंड मुझे कॉल करते हैं तो बताते हैं सर मुझे ही पता है कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, तो वाकई मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा क्या है। लेकिन अगर यह पीड़ा जो पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, ये पीड़ा अगर आपकी वाइफ समझती तो डेफिनेटली आपको ये पीड़ा होती ही नहीं, और आपको ये दर्द जो है जो दिया गया है वो आपकी वाइफ के द्वारा ही दिया गया है, आपको ये दर्द भी नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। थोड़ा सा मैं हटकर मतलब केस के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 125 CRPC मेंटेनेंस, जो केस कर देती हैं महिलाएं अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए। अब मैं देखिए ये इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला आपकी सिर्फ वाइफ है यानी कि बच्चा नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस देने के लिए उसको इतना मतलब जितना आपको प्रताड़ित उसने किया है, पीड़ित किया है, उससे दुगना आप उसको करिएगा, मैं आपसे ये कहता हूँ, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत किया है। और अगर आपने गलत किया है तो मैं आपके मतलब साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपकी वाइफ है और उसने आपके साथ में गलत किया है तो उसको उतने से कई ज़्यादा दुगना किया जितना हो सकता है उससे ज़्यादा प्रताड़ित कीजिएगा और उसको कोर्ट में घिसने दीजिएगा, लड़ने दीजिएगा। जो उसने मेंटेनेंस का केस किया है उसको मेंटेनेंस देना नहीं है, आज नहीं कल भी नहीं, जितना चाहे वो कितना घिस ले। दूसरी बात, अगर आपके पास बच्चा है यानी कि आपके पास बेटा है या बेटी है जो भी है, अगर आपके पास बच्चा है तो आप बच्चे को मेंटेनेंस दें, बिना कहे कहे दें, बिना कोर्ट की जरूरत नहीं है उसमें उसका। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफर करते रहें, नहीं है तो बच्चे के नाम से FD वगैरह करा सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बच्चे को देखिए, आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, तो बच्चे को आप प्रताड़ित ना करेंगे और ना ही उसको ऐसा कुछ करें जिससे कि उस बच्चे पर कोई असर पड़े। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर आपकी वाइफ जो है वो किसी प्रकार से एडल्ट्री में है यानी कि वो चरित्रहीन है और किसी और के साथ उसने संबंध बनाए या फिर किसी और के साथ में उसने किसी प्रकार से उसकी मतलब समझ सकते हैं आप, तो आप चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों को कलेक्ट कीजिए और आपको मेंटेनेंस का केस लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके पास जब, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ जो जा सकता है मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, मैं समझ गई बात चलिएगा। अगर आप नहीं जाते हैं लोअर कोर्ट में जब तक वो केस लड़ते हैं तो आपके पास एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद उसी महिला को सुनकर जो भी वो चीज़ें बताती है तो उसी के आधार पर जो है वो आपके आपके खिलाफ जो जो भी मेंटेनेंस बनेगा वो मेंटेनेंस बन जाएगा। लेकिन अभी नहीं बनेगा, एकदम से नहीं बनता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, वो उसको घिसने दो, जितना वो जाएगी कोर्ट में साल दो साल तीन साल चार साल पाँच साल पता ना कितने साल निकल जाएंगे जिस बीच में ये मेंटेनेंस बनना। मेंटेनेंस बांध कोर्ट के द्वारा हो जाएगा, उसके बाद फिर वो रिकवरी वारंट के लिए रिकवरी सूट डालेगी। रिकवरी सूट डालने के बाद जो है वो भी उसमें भी बहुत सारा समय लग जाता है, उसमें भी चलने दीजिए उसको। जब वो वारंट वगैरह आ जाता है आपके पास में, अब आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए और जो आपके पास एडल्ट्री वाला मटेरियल है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं जिससे कि आप ये प्रूफ कर दें कि वो एडल्ट्री में है या वो किसी और महिला पुरुष के साथ में उसके शारीरिक संबंध है या किसी और के साथ में उसकी सेटिंग वगैरह है, तो आप वो चीज़ें जो हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, फोटो हो, वीडियो हो या कॉल डिटेल वगैरह हो, किसी प्रकार की चीज़ें हो, तो ये जो चीज़ें जो सारा मटेरियल है इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कीजिएगा। और चैलेंज करने के बाद आप अपनी बात प्रूफ करिएगा। 100% मैं कहता हूँ कि जो महिला किसी और पुरुष के साथ में, यानी कि आप हस्बैंड हैं, आपको छोड़कर किसी और पुरुष के साथ में वो इस तरीके की हरकतों में है या फिर ऐसी एडल्ट्री में है, तो 100% आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा और आपका जो सेक्शन 125 CRPC में आपके खिलाफ जो केस है या आपके खिलाफ जो मेंटेनेंस लोअर कोर्ट ने बांध दिया था उसको 100% डिसमिस किया जाएगा। और डिसमिस करने के बाद आप इन चीज़ों से बरी हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ महीने या दो महीने के अंतराल में। लेकिन अब ये क्या है, अगर आपने ये लोअर कोर्ट में नहीं लिया, लोअर कोर्ट में उसने 4-5 साल इसमें घिसा होगा और वो अपने उसने चप्पलें घिस दी होंगी जाते जाते,
और उसने इतना मेंटेनेंस किया, और उसके बाद आप हाई कोर्ट में कुछ ही दिनों में जाकर उसको क्वेश्चन करा दिया, खत्म करा दिया। तो ये जो चीजें है ये बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ आपके लिए, जो आपको जरूरी समझना। अगर आप ये चीज समझेंगे तो 100% आप अपने आप को तो फ्री रखेंगे रखेंगे, साथ ही साथ में आपको कभी भी कोई मेंटली टॉर्चर आपको नहीं कर सकता अगर चीजें पता है तो। क्योंकि ज्ञान होना, ये कहते हैं कि कानून का पता होना, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में कानून लिखी है, लेकिन उसके द्वारा जो है प्रैक्टिकली में कुछ और ही होता है जो मैंने आपको बताया। इन सब चीज़ों से अगर आप डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ना ही तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी देने की, और ना ही आपको किसी प्रकार से टॉर्चर होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड ने, क्योंकि आज के टाइम में कॉमन चीज़ें बन गई, पति पत्नी झगड़ा हुआ, पत्नी गई कोर्ट और वहाँ उसने कई प्रकार के केस आपके ऊपर लाद दिए। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, मैं किसी महिला के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के पुरुष के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट में अगर आप देखेंगे ना तो रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो महिलाओं के मिलेंगे आपके लिए आज के टाइम में। ऐसा कोई वकील नहीं है जिसके पास महिला का केस ना हो, तो हर वकील के पास मिलेंगे आज के टाइम में। और कोर्ट में अगर आप देखोगे तो ऐसा लगती है महिला मंडी, जैसे महिलाएं हर जगह जब तुम देखोगे तो कोर्ट में महिलाएं महिलाएं और कोई भी है नहीं। तो वहां पर जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जो केसेस अराइज हो रहे हैं वो महिलाओं के हो रहे हैं, और महिलाओं के केसेस अगर सच्चाई पर आधारित हों तो वो बनती ही बात समझ में भी आती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि साल दो साल बाद जब वो किसी न किसी प्रकार कोर्ट भी समझ जाता है कि ये सब फॉल्स केस हैं, सब झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। ये सब चीज़ें होती हैं। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बाद में कमेंट में ये बोलें कि सर आप महिलाओं के लिए ऐसा बोलते हैं, महिलाओं के लिए ये चीज़, मैं किसी के नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो चीज़ सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ, और जो महिलाएं जो देख रही हैं वो भी समझ सकती है कि वाकई मैंने सेक्शन 498 या फिर 125 या डीवी की जो केसेस डाले वाकई मैंने फॉल्स डाले हुए हैं। लेकिन आप अगर फॉल्स डाले हैं ना आपने, तो आपको न्याय नहीं मिलने वाला है, आप सिर्फ घिसने वाले हो। समय के अनुसार आपको भी अकल आ जाएगी कि वाकई मैंने गलत किया और आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली, अपने पैरों पर खुद खिलाड़ी मारी है। वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, हस्बैंड देखिए बुरा है तो बुरे के साथ में आपने जो किया या फिर जो भी आप करना चाहते हैं आगे भविष्य में, वो चीज़ें आपके अनुसार ठीक हैं नहीं है, लेकिन कानून जो चीज़ें हैं जो बताता है वो ये है कि अगर आपके दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप या फिर अलग हो जाइए या फिर मत लड़िएगा, साथ में रहिएगा। दोनों चीज़ों में से अगर आप नहीं अपनाते हैं और अपनाते हैं ये रास्ता जिसमें कि खुद भी लटकोगे और महिला भी लटकेगी, तो पुरुष भी लटकेगा, तो दोनों ही लटकते रहेंगे और झूलते रहेंगे, न्याय दोनों को नहीं मिलने वाला। मिलने का मतलब ये है कि झूठ पर नहीं मिलेगा, सच्चाई पर मिलेगा आपके लिए। सच बोलेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी जो सालों साल लड़ने के बाद में आपको अभी तक समझ में नहीं आई, सालों साल लड़ने के बाद जरूर आएंगी आपकी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको वाकई चीज़ें आपके ज़रूरी हैं, काम की हैं, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा, और ये जो जानकारी है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब इस नीचे जरूर कर दीजिए, और लाइक मन में आता है तो करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।